बहुत सारे मेरे किसान भाई हैं जो चाहते हैं कि हम अपना डेयरी फार्म चलाएं, शुरू करें, लेकिन वो स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं कि डेयरी फार्म का डिज़ाइन कैसा रखना चाहिए। मैं एक डेयरी फार्म की छत पे खड़ा हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक डेयरी फार्म आपका कैसा होना चाहिए। और इन्होंने 25 पशुओं से शुरुआत की थी, 25 पशुओं का इनका शेड है, छोटा शेड है, तो किस प्रकार छोटा फार्मर शुरुआत कर सकता है इसके बारे में हम स्पेशली आज फोकस करेंगे। और साथ में साथ इन्होंने पशुओं के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलो किसान वीडियो शुरू करते हैं, और जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास वाली घंटी भी। तो किसान वीडियो देख सकते हैं आप, ये है सर का वीरक आयर शेयर डेयरी फार्म। तो सर आप हमें अपना एक तो फार्म विजिट कराएं और दिखाएं अपने आपने फार्म को कैसे बनाया था। आइए तो सर बताएं आपका ये टोटल एरिया कितना है सर फार्म का? टोटल एरिया हमारा जिसकी 70 फीट तो चौड़ाई है, ठीक है सर, 100 फीट लंबाई है। ठीक, कितना? 70 फीट चौड़ाई है और 100 फीट लंबाई। ठीक है, तो सर ये कितने पशुओं का है आपके? ये हमारा 25 एनिमल का है, 25 बड़ी गायें और अपना 15-20 इसमें हीफर आ सकती हैं। ठीक है सर, 25 से लेके मतलब कि 30 पशुओं, 30 एनिमल्स तक का है। और जो भी मेरे किसान भाई 20 से लेके 30 एनिमल तक का शेड बनाना चाहते हैं, तो सर आप बताएं कि आपने शेड कितने रुपये में बनाया था और इस शेड की क्या क्या खासियत है? ये शेड हमारा इसमें जो इधर मुँह करके बोल जाएगा, ये शेड हमारा जो कवरेड एरिया है इसका, ये 40x30 का है। 40x30 का? हाँ जी हाँ। 40 लंबाई है या 40 चौड़ाई है? 40 लंबाई है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है, और ये नीचे से ऊपर तक 18 फीट ऊंचा है। 18 फीट ऊंचा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इधर सर ने ओपन एरिया बाहर रखा गया है। सर बाहर ओपन एरिया रखने का क्या मतलब है आपका? बाहर ओपन एरिया रखने का ये मतलब है ताकि कभी तो बारिश आ जाती है शेड में, कच्चे जगह में अपना चिकड़ हो जाता है, तब हम यहाँ पर पशु 2-4 दिन बांध के रख सकते हैं, या कोई ताज़ा पशु ब्याता है तो उसको अलग रख सकते हैं, या अगर हम कोई पशु बाहर किसी से फार्म से खरीद के लाते हैं तो उसे 2-3 दिन यहाँ रख के उसको सारा अच्छे से देखभाल करके फिर अपने पशुओं में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप एक तो शेड एरिया रखें और एक इधर सर ने खुला एरिया रखा गया है, और इधर ये बाहर एक अलग से एक एरिया रखा गया है, ताकि आपने सर ने आपको बताई दिया भी क्यों आपने इन्होंने इसको इसको रखा हुआ है। तो सर मैं आपको यहाँ पे देखना चाहूँगा कि आपके पशु अंदर कैसे रहते हैं, तो आप इसके बारे में आप हमें बताएं। तो सर मैं आपका सबसे पहले आप बताएं बीच का एरिया कितना है सर? ये बीच का एरिया हमारा ये 8 फीट का बेड है और 1.5x1.5 की इधर खुरली है और इधर रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग पूरी ये 40 फीट लंबी है और इसकी हाइट है 4 फीट और मेन में डिस्टेंस इसका है 11 इंच का। 11 इंच का यहाँ पे डिस्टेंस है और 1.5 फीट की नीचे खुरली लगा रखी है सर ने, और बीच का डिस्टेंस इसका 8 फीट का है। और सर आप जो आपने मिल्किंग पार्लर का ये सिस्टम लगा रखा है, मिल्किंग मशीन का, इसका सर सिस्टम कैसे लगाना चाहिए किसान को? ये मिल्किंग पार्लर की सप्लाई हमको सारे फार्म में देनी चाहिए ताकि हमको बस केन ही फिट हो, गाय उधर उधर खोल के ना लेके जानी पड़े। ठीक है, जहाँ पर गाय खड़ी है वहीं से आप उनकी मिल्किंग कर देते हैं? जहीं पर गाय बंधी हुई है उसे वहीं पर बांध के वहीं पर चो दें। ठीक है, तो सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपने इधर काफ के लिए अलग से एरिया छोड़ रखा है और इधर आपकी बड़ी गायें हैं, तो इसके बारे में आपने पार्टीशन कैसे की हुई है? ये हमने पोर्शन बना रखे हैं, ये काफ के लिए पोर्शन है, वो अपना हीफर के लिए, बड़े काफ के लिए है, ये सारा अपनी मिल्किंग गाय के लिए, मिल्किंग गाय के लिए है। तो सर मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूँ, शेड किस प्रकार का डिजाइन कराना चाहिए और आपका कितना खर्चा आया था इस शेड के? शेड मॉडर्न डेयरी फार्म का ही तैयार करवाना चाहिए ताकि इसमें हवा का आन जान चलता रहे, ये गर्मी में इसको दिक्कत ना हो, ना कि बारिश में दिक्कत हो। इस पर खर्चा यही तकरीबन सारा फार्म को खड़ा करने में 5 लाख के नेड़े तेड़े हो गया था आज से पाँच साल पहले आपका 5 लाख रुपए खर्चा हुआ था। तो सर मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि आपने पीछे जाली भी लगा रखी है, तो इसका क्या रीज़न है? और मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ, इस तरीके जाली लगा रखी है, पीछे धूप के कारण हमें दिख नहीं रही है। सर इस जाली के बारे में आप हमें? ये जाली लगानी बहुत जरूरी है, एक तो इससे धूप कंट्रोल रहती है, शेड में टेम्परेचर बना रहता है, और एक से जब इसमें बारिश होती है तो इसमें वाछड़ या फंड कह देते हैं हमको, वो अंदर पशुओं के ऊपर नहीं लगती सीधी। ठीक है, यानी कि बारिश के समय इसकी हेल्प होती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है इससे। हाँ, और ये अब हमको सर्दी में ये जाली ठंड से भी पशुओं को बचाती है और गर्मी से गर्मी में बचाती है। ठीक है, तो सर एक बात मैं अब यहाँ से और जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये पक्का एरिया है, कुछ एरिया मैं यहाँ पे दिख पा रहा हूँ, ये देखिए ये पक्का एरिया है, बाकी सारा कच्चा एरिया बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, यहाँ पे चिकड़ हो रखा है। तो सर ये पक्का एरिया कितना है आपका? ये सर हमारा पक्का एरिया खुरली से लेके 10 फीट का फर्श है और 1 फीट की पीछे नाली है। ठीक है, उसके आगे सारा ये कच्चा 40 फीट एरिया, टोटल का 40 का 40 ही कच्चा है। ठीक है, इसमें रेता डाला हुआ है बिल्कुल जी। इसमें 24 घंटे गाय खुली रहती है? हमारी ये गाय हम घंटा सवेरे फीडिंग और मिल्किंग का टाइम बांधते हैं और घंटा शाम को मिल्किंग और फीडिंग का टाइम बांधते हैं, उसमें ये 22 घंटे बिल्कुल खुली रहती हैं, आप ही पानी पीती हैं, आप ही इधर उधर टहलती हैं। मिल जाए
और इधर मैं सर का जो चाफ कटर है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये सर का चाफ कटर है जो इंजन के साथ ऑपरेट होता है, और इन्होंने एक जुगाड़ लगा के टायर भी लगा रखा है उसके ऊपर। और सर मैं आपका स्विमिंग पूल भी देखना चाहूँगा जो कि आप गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी दिखाएं आप। हाँ जी सर बिल्कुल आइए। तो किसान भीरों वो देख सकते हैं ये सर का डेयरी फार्म है, और सर ने ये स्विमिंग पूल बना रखा है, लेकिन अभी सर्दियों की मौसम है, अभी तो इसकी खैर कभी मुश्किल ही ज़रूरत पड़ती होगी। और ये सर का ट्यूबवेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर इसकी क्या खासियत है, क्यों आपने ये बना रखा है? ये सर हमने पशुओं के नहाने के लिए ये स्विमिंग पूल बना रखा है। ये इसकी हमको गर्मी में तीन महीने में ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारे पशु दोपहर में कभी कभार ऑटोमेटिक हम छोड़ देते हैं तो आ जाते हैं। इसका बनाने का यही खास वजह है कि हम नहला तो पशु को उधर भी देते हैं फार्म में ही, पर उनमें वहाँ उसके खुर अच्छे से साफ़ नहीं होते। यहाँ इसमें हम मेडिसिन पा देते हैं तो ये सर इसके खुर अच्छे से साफ हो जाते हैं, सारे खुरों में नीचे से गोबर और सारी मैल मूल उतर जाती है। ठीक है, खुरों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हूफ कहते हैं उसको इंग्लिश में, जो पशुओं के पाँव होते हैं उनमें बीमारियाँ HF में और पशुओं में जो ज़्यादा दूध देने वाले होते हैं उनमें उनके पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसका सोल्यूशन इनके इस स्विमिंग पूल से हो जाता है। तो सर इससे सर गर्मी भी कंट्रोल होती है उनकी? इससे गर्मी बहुत कंट्रोल होती है। एक तो गाय के कैसे तो हम उसको नहलाते हैं, पानी ऊपर डालते हैं, यहाँ उसने अपनी मर्जी से नहा के गेड़ा दे के बाहर जाना है। ठीक है, तो ये सर का स्विमिंग पूल देख सकते हैं आप। तो सर इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ था आपका, और इसका साइज कितना है? इसका साइज ये सर अपना 25 फीट का गोल घेरे में मारा हुआ है, इसको रस्सी से 25 फीट का गोल घेरा है। ये 25 फीट का इसकी गोलाई है सर। खर्चा कितना हुआ? 5 फीट डूंगा है। 5 फीट इसकी डूंगाई है, ठीक है। तो सर खर्चा कितना हुआ था सर आपका इसमें? खर्चा इस पर ये आज से 10-15 साल पहले का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें उस टाइम में 50 से 60 हज़ार रुपया लगा था, आज के टाइम में ये तो 1 लाख के अंदर बार बनेगा। ठीक है, तो सर आपने इसके बारे में डिटेल में आप हमें बताया, तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई होगी जब आपको एक फार्म बनाना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसानों के साथ आप शेयर करेंगे तभी हमारी वीडियो आगे तक पहुंचेगी। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम किसान ही तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो।